आज हमारे कटघरे में मौजूद हैं वो शख्स जो किसी को भी हवालात की हवा खिला सकते हैं। हाँ तो मिस्टर शिंदे, आप पर ये आरोप है कि आप हमेशा वारदात के बाद ही स्पॉट पर पहुंचते हैं। समझो, मैं वारदात के पहले उधर पहुंचा तो उधर वारदात होने वाला है क्या? नहीं, कैंसिल होएगा पुलिस को देख के। फिर फायदा क्या? पुलिस काहे के लिए है? गुनहगार पकड़ना मांगते है ना, तो गुना नहीं होता तो हम काहे के लिए? डिपार्टमेंट बंद होएगा। अच्छा, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि शहर में आजकल जो है डकैती और चोरी चकारी बढ़ती जा रही है? अरे बाबा, ऐसा कैसे समझाओ। देखो, एक के घर पे वारदात होता है, वो फैमिली में कितना मानुस रहता है? दो से तीन। बराबर। जो गुनहगार लोग घर पे आते हैं अटैक करने को, वो कितने मानुस रहते हैं? चार से पांच, कभी चार पांच छह, कितना भी। बराबर। पुलिस के डिपार्टमेंट का कितना लोग उधर रहता है? दस से बारह। तो टोटल 20 आदमी बिजी है। 20 आदमी को काम धंधा मिलता है तो तुम्हारा क्या तकलीफ है? बाबा कामदेव, आप पर यह इल्जाम है कि आपने कोला को टॉयलेट साफ करने वाला कीटनाशक बताया है। आपने कोला का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है, ऐसा क्यों किया आपने? गलत आरोप है। इसका तो मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए। मैंने अनजाने में कोला की सेल बढ़ा दी। वो कैसे? आजकल लोग कोला टॉयलेट में भी यूज कर रहे हैं और कोला पी भी रहे हैं। इनाम मिलना चाहिए, सेल बढ़ गई है। शिल्पा शेट्टी आपकी पुरानी शिष्य है, लेकिन जब वो अपनी सास के साथ आपके शिविर में आई तो उनकी सास कभी शिविर के अंदर और कभी शिविर के बाहर जाती थी, ऐसा क्यों? हल्का सा भ्रम हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, और कोई बात नहीं है। वो बेचारी जब अपनी सास को लेकर शिविर में आई उस समय कपाल भाती सिखा रहा था। मैं कह रहा था सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो। वो बेचारी समझी मैं उससे कह रहा हूं, तो बार बार अंदर लाती सांस को, बाहर छोड़ती। डेढ़ घंटे यही किया उसने, योगा नहीं सीखा है, भ्रम हो गया, देर हो गया, समझ गया है। सेवानंद साहब, सीधे खड़े रहिए और मेरी बात का जवाब दीजिए। आप पर आरोप है कि एक फिल्म के राइटर ने आपको अपनी कहानी सुनानी चाहिए, आपको उसका हिस्सा बनाना चाहा, लेकिन आपने टाइटल सुनते ही उसको मना कर दिया। क्यों? ये सच है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, उस राइटर की जरूरत देखिए, उसने अपनी कहानी का नाम रखा है मुंबई के खंडहर और बूढ़ी इमारत। क्या बकवास है! आज पूरी दुनिया जानती है मैं मुंबई की शान हूँ, क्योंकि मैं अभी भी जवान। आप पर एक इल्जाम और है। सुना है कि लंदन के तुसाद म्यूजियम से आपका पुतला बनाने का ऑफर आया था, लेकिन आपने उनको भी मना कर दिया। ये भी सच है मिलॉर्ड। वो अंग्रेज की बदतमीजी देखिए, वो मेरा पुतला मोम का नहीं बल्कि स्प्रिंग का बनाना चाहता है। सेवानंद साहब, आप पर एक इल्जाम और है। सुना है कि आप शाहिद कपूर को एक रोल के लिए दिन रात फोन पे फोन कर रहे हैं। ये भी सच है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मुझे लगता है शाहिद एक टैलेंटेड एक्टर है, मेरे बाप के रोल के लिए एकदम फिट है, उस रोल को जरूर करना चाहिए। हाँ तो मिस्टर शाइन आहूजा, आप पर आरोप है कि आपने अपनी बाई के साथ जबरदस्ती। प्लीज मेरे पे फालतू एलिगेशन मत लगाइए, मेरा किसी के साथ बाई लॉजिकल रिलेशन नहीं है। वो तो मैं प्रूव करूंगा। अब मैं आपसे आपकी कुछ मनपसंद चीजें पूछूंगा। वो पूछो। आपकी मनपसंद रहने की जगह? मुंबई। गजल सिंगर? मुन्नी बाई। स्कूल का फेवरेट सब्जेक्ट? बाई लॉजी। और आपकी मनपसंद मूवी? लक बाई चांस। देखा बाई लॉर्ड आपने? ओहो वकील साहब, आप भी बाई कब आती है, कैसी है? आज से हम दोनों बाई बाई। सॉरी सॉरी सर। माय लॉर्ड, देखा आपने इनका बाई प्रेम?